हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्काई व्यू के एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए का पार्ट वन। ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं दो पार्ट बना दूं, या तीन भी बन सकते हैं। देखते हैं कैसे समझाना होगा मेरे को, उस हिसाब से मैं आपको अच्छे से समझाने की ट्राई करूंगी। ओके, तो देखते हैं क्या है इसमें। जो डीएनए है वो जीनेटिक मटेरियल है, वो प्रूव कर दिया था हार्सी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में। और प्रोटीन, जो जीनेटिक प्रोटीन है ना, प्रोटीन नहीं है जीनेटिक मटेरियल, वो भी प्रूव हो चुका था, क्योंकि हार्सी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में डीएनए जीनेटिक मटेरियल है वो प्रूव हो चुका है। ये आपको हार्सी और चेज का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको देखना हो तो मेरी चैनल में जाके देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, इट बिकम एन एस्टैब्लिश फैक्ट दैट इट इज अ डीएनए दैट एक्ट एज अ जीनेटिक मटेरियल। तो एस्टैब्लिश हो चुका था कि डीएनए जो है वो जीनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। इट सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट इन सम वायरसेस आरएन, जैसे कि आरएन इज द जीनेटिक मटेरियल। तो मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या था कि जो डीएनए था वो जीनेटिक मटेरियल की तरह काम करता था, बट कुछ कुछ में ऐसा भी था, जैसे कि कुछ वायरस थे वो उसमें आरएनए एज जीनेटिक मटेरियल काम करता था। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि सम वायरस में आरएनए इज द जीनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोबैक मोज़ेक वायरस। यहाँ पे मैंने वायरस नहीं लिखा है, टोबैक मोज़ेक वायरस मीन्स के उसमें आरएनए इज जीनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। एंड यहाँ पे ये टोबैक मोज़ेक वायरस क्या करता है कि जो टोबैको का प्लांट है उसको इन्फेक्ट करता है, डिजीज करता है, और जो टोबैको का जो लीव्स होते हैं उसमें स्पॉट्स आ जाते हैं और डिकलरेशन आ जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं मोज़ेक। इसलिए इसका वायरस का नाम दिया गया टोबैक मोज़ेक वायरस। वो आरएनए वायरस उसमें प्रेजेंट होता है, आरएनए टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। देन क्यूपी बैक्टीरियोफाज, तो बैक्टीरियोफाज मैंने आर्सेन चेज में भी समझाया था कि बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया एंड फाज मीन्स वायरस। ये भी एक टाइप का वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो ये जो क्यूबी बैक्टीरियोफाज है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो जो सम टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं उसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, इज द जेनेटिक मटेरियल, इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, and then answer to some of the questions such as why DNA is predominant genetic material. तो यहाँ पे question पूछा गया कि why DNA is predominant genetic material, whereas RNA perform a dynamic function of messenger and adapter has to be found. और RNA में क्या perform होता है कि dynamic function है आरएनए में मैसेंजर एंड एडेप्टर के। अब पूछोगे कि आपके ये मैसेंजर एंड एडेप्टर क्या है। मैसेंजर हमें यहाँ पे आपको समझाती हूँ, आरएनए जो होता है ना उसमें वो तीन टाइप के होते हैं आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए इन टीआरएनए। तो आर आर एन ए मीन्स राइबोसोमल आर एन ए, एम आर एन ए मीन्स मैसेंजर आर एन ए, एंड टी आर एन ए मीन्स ट्रांसफर आर एन ए। तो आर आर एन ए जो एम आर एन ए है यहाँ पे ऐसा दिया कि वो डायनेमिक फंक्शन की तरह काम करता है, आर एन ए जो होता है वो। तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है, ओके, तो डायनेमिक फंक्शन की तरह की मींस के मैसेंजर आरएनए जो है ना वो क्या काम करता है कि यहाँ पे जो ये सेल होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, कि यहाँ पे न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसका जो कोड बनता है, मींस के डीएनए में से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, तब क्या होता है कि जो एम आर एन ए बनता है वो
एमआरएनए कोड कैरी करता है, जो डीएनए में से बनता है, वो डीएनए का जो कोड बनता है वो एमआरएनए बनता है, और वो जो एमआरएनए वो कोड कैरी करता है, वो कोड जो है एमआरएनए वो न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में लाता है, जो राइबोसोम जहां पे होता है वहां पे। और राइबोसोम होता है तो राइबोसोम में क्या होता है कि जो एमआरएनए आता है तो उसमें से बनता है प्रोटीन, ट्रांसलेशन सी प्रोसेस से। ओके, तो यहाँ पे यही है कि जो मैसेंजर मींस के वो मैसेज को पास करता है न्यूक्लियस में से राइबोसोम तक, वो कोड को कैरी करता है एमआरएनए, और एमआरएनए जो कैरी करता है फिर मैसेज को वो कोड करके वो प्रोटीन बनाता है पास करके। तो यहाँ पे यही है कि मैसेंजर आरएनए, देन जो टीआरएनए होता है वो ट्रांसफर आरएनए होता है, और आरआरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए मींस के वो राइबोसोम के सब यूनिट बनाता है, सम ऑफ द सब यूनिट बनाता है। ये थोड़ी सी हम आगे प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे रही हूँ, आप ओवरव्यू से समझो। देन टीआरएनए होता है वो ट्रांसफर आरएनए होता है, तो जो टीआरएनए है वो ट्रांसफर आरएनए है, वो मैचेस ऑफ अमाइनो एसिड टू एमआरएनए टू हेल्प मेक प्रोटीन। ओके, जो टीआरएनए है वो ट्रांसफर आरएनए में जैसे कि होता है, और मैच करता है अमाइनो एसिड टू एमआरएनए से, और टू हेल्प टू मेक और हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में। ओके गाइस, जो मैसेंजर है तो वो आपको पता चल गया। फिर वो उसका जो फंक्शन है वो आरएनए का, को आरएनए के जो फंक्शन है तो एडेप्टर की तरह, एडेप्टर मींस कि आरएनए फंक्शन एज अ एडेप्टर मॉलिक्यूल दैट ट्रांसलेट्स टीआरएनए। टीआरएनए जो होता है ना वो फंक्शन एज अ एडेप्टर मॉलिक्यूल काम करता है, दैट ट्रांसलेट थ्री न्यूक्लियोटाइड कोडोन इन द एमआरएनए। ओके, वो क्या करता है, जो थ्री न्यूक्लियोटाइड कोडोन होते हैं इन द एमआरएनए में इन टू सुटेबल अमाइनो एसिड ऑफ कोडोन एमआरएनए टू सॉरी एमआरएनए टू इनटू द सुटेबल अमाइनो एसिड बनाने में काम करवाता है। तो ये टीआरएनए वो एडेप्टर की तरह काम करता है। ये भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे ना समझ आए तो आप ऐसा याद रख लो कि टी आर एन एज एडेप्टर की तरह काम करता है, क्योंकि इन डिटेल आपको मैं समझाऊंगी तभी समझ में आएगा, आगे हमको पढ़ना है तब हम समझेंगे। ओके, ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि जो आरएनए है वो परफॉर्म करता है डायनेमिक फंक्शन ऑफ मैसेंजर, एंड एडेप्टर हैज टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। ओके, तो ये जो डिफरेंस रहा है ये दोनों का, वो क्यों कि ये प्रीडोमिनेंटली फंक्शन करता है, इसका फंक्शन अलग है, डिफरेंस क्या है कि ये डिफरेंस डिफाइन करता है बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर, उसके केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, ऑफ द टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, तो उसके जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ओके, तो हैज टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। ओके गाइस, देन जो केमिकली डिफरेंस है ये डीएनए एंड आरएनए में वो क्या है, जो डीएनए और आरएनए है उसमें केमिकली डिफरेंस क्या है कि जो डीएनए है ये जो है ये डीएनए ये आरएनए, तो यहां पे ए टी जी सी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यहाँ पे ए यू जी सी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे जो होता है वो मेजर डिफरेंस है उसका जो पेंटो सुगर होता है। तो ये पेंटोस शुगर जो प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है।
क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर के कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। और यहाँ पे प्रेजेंट है ओएच ग्रुप, तो ये है राइबोस। और ये थोड़ा सा डिफरेंस है डीएनए एंड आरएनए में, ये केमिकली डिफरेंस यहाँ पे है स्ट्रक्चरली। ओके, देन अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जीनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो मॉलिक्यूल है वो एज अ जीनेटिक मटेरियल होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़े से क्राइटेरिया फुलफिल होने जरूरी है, जैसे कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट रेप्लिकेशन होना जरूरी है। तो जो जीनेटिक मटेरियल है उसका रेप्लिकेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो डीएनए है, तो डीएनए में से डीएनए बनता है, उसकी कॉपी बनती है, और आरएनए में से भी आरएनए बनता है। तो ये दोनों जो है वो जीनेटिक मटेरियल है, तो ये दोनों में ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, उसकी रेप्लिका कॉपी बनती है। ओके, देन इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। तो यहाँ पे क्या है कि वो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होने चाहिए, बट यहाँ पे क्या है कि जो केमिकली है वो ज्यादा डीएनए, केमिकली जो है ना वो ज्यादा डीएनए स्टेबल होता है देन आरएनए, ऐसा क्यों है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे आप पेंटोस शुगर देखो इन दोनों की, तो यहाँ पे है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप डीएनए में 1 एंड 2, और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट है इन आरएनए। तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ज्यादा है, मींस के वहां पे वो रिएक्टिव ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे रिएक्टिव ज्यादा होगा, तो उसके प्रोन टू हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस भी होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कम प्रेजेंट है, इसीलिए जो डीएनए है वो केमिकली ज्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू देन आरएनए से। आरएनए से डीएनए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट है आरएनए में। ओके, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोन टू तो प्रवृत्त करेगा हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस को। ओके, तो ये एक स्टेबिलिटी की वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी स्टेबल होना चाहिए। तो डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और उसके बीच में जो एटीजीसी, तो ए के सामने टी आता है तो उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, और जी के सामने सी आता है तो उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो वो भी स्टेबल ज्यादा है, और यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए। ओके, तो इस हिसाब से भी डीएनए ज्यादा स्टेबल है, तो इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। ओके, देन इट शुड प्रूव टू स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो आरएनए और डीएनए और आरएनए है तो वहां पे कोई चेंजेस आ रहा है उसके जीनेटिक मटेरियल में, चेंजेस आ रहा है उसके न्यूक्लियोटाइड में, चेंजेस आ रहा है, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। और ये जो म्यूटेशन होता है वो स्लो चेंजेस होता है दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, वो रिक्वायर करता है इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा जो म्यूटेशन होएगा तो इवोल्यूशन आने के चांसेस रहेंगे। जैसे कि इवोल्यूशन कहाँ पे, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, मंकी में से ह्यूमन बना तो उसमें टाइम लगा ना। हम समझ में आया आपको कि मंकी में से ह्यूमन बना है तो इसमें टाइम लगा, बट इसको बोलते हैं इवोल्यूशन, क्योंकि इवोल्यूशन मीन्स कि कोई कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस होना। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक, इसके डीएनए में थोड़े से चेंजेस होंगे, इसके डीएनए में थोड़े से चेंजेस होंगे, इसके डीएनए में थोड़े से चेंजेस होंगे, तो
तो वहां पे म्यूटेशन होगा, तो म्यूटेशन होगा स्लोली 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 म्यूटेशन होगा, तो उसमें वो रिक्वायर करेगा, क्योंकि उसमें म्यूटेशन होगा तो ही इवोल्यूशन के चांसेस बढ़ेंगे। ओके, दैट आर रिक्वायर फॉर इवोल्यूशन। तो ये इवोल्यूशन के चांसेस ज्यादा करने के लिए उसमें स्लोली थोड़ा सा म्यूटेशन जेनेटिक मटेरियल में होना चाहिए। ज्यादा हो गया तो भी तकलीफ है। इट शुड बी प्रूव द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर फॉर इवोल्यूशन। ओके, देन इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो मेंडेलियन कैरेक्टर क्या है कि जो पेरेंट है उसमें से प्रोजेनी बनती है, तो उसमें कोई भी कैरेक्टर आता है तो उसका एक्सप्रेस होता है। पेरेंट का जो डीएनए है इसमें आता है चाइल्ड में, तो उसका जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होता है इटसेल्फ, क्योंकि उसका डीएनए है तो यहाँ पे आता है। इसके पेरेंट का रंग जो है वो ब्लैक है, तो थोड़ा सा ब्लैक कलर चाइल्ड में भी आने के चांसेस है। तो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। ये भी होना चाहिए, मेंडेलियन कैरेक्टर। ओके, तो ये थोड़े से क्राइटेरिया है। देन इफ वन एग्जामाइन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज ऑफ रूल्स ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। क्योंकि यहाँ पे जो बेस पेयरिंग हो रही है, ए के सामने डी आ रहा है, जी के सामने सी आ रहा है, तो ये इसको बोलते हैं बेस पेयरिंग। और कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स के यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री बन रही है डीएनए के सामने, ये जो स्ट्रैंड है उसके सामने स्ट्रैंड बन रही है। ओके, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। तो उसके पास एबिलिटी है डायरेक्ट डुप्लीकेशन की, जैसे कि डीएनए में से डीएनए बनता है, हमने आगे बात कर ली, और आरएनए में से आरएनए बनता है। कि डीएनए में से डीएनए बनता है डीएनए पॉलीमरेज, एंड आरएनए से आरएनए बनता है आरएनए पॉलीमरेज। ओके, तो यहाँ पे कॉपी बनती है ये जेनेटिक मटेरियल में। ओके, ये हमने आगे डिस्कस कर लिया। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है वो एबिलिटी है, एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। ओके, द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। जैसे कि अदर मॉलिक्यूल है इन लिविंग सिस्टम में सच एज प्रोटीन फेल टू फर्स्ट क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या था? रेप्लिकेशन का। तो प्रोटीन है वो रेप्लिकेशन नहीं करता है। तो यहाँ पे जो डीएनए एंड आरएनए है वो रेप्लिकेशन करता है और कॉपी बनाता है। तो अदर मॉलिक्यूल है इन द लिविंग सिस्टम में सच एज प्रोटीन, तो वो प्रोटीन है वो फेल हो गया टू फुलफिल द फर्स्ट क्राइटेरिया इट्सेल्फ। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर में यहाँ पे एंड करती हूँ, फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, और आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आई होप सो कि आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अगर भी अभी भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके गाइस, एंड आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।